कमलाकांत एवं पेरिस रु पुणी थरे आउ एक पदक आसी पुणी थरे सुटिंग रे कमाल करिछंती भारतीय सुटर स्वप्निल को आज तृतीय पदक मिली पेरिस ओलंपिक्स रो षष्ठ दिन में भारत को तृतीय पदक मिली एथर मध्य ब्रोंज मिली सुटिंग रु पुणी थरे खुशी खबर स्वप्निल को जो देखा 50 मीटर जहाँ थ्री पोजिशन फाइनाल रही था से तृतीय स्थान रही भारत पर तृतीय पदक आनी स्वप्निल और सुटिंग रु पुणी थरे खुशी खबर जहाँ ओलंपिक्स पूर्व कहुला भारतीय सुटर मैंने कमाल करपारती पुणी थरे तृतीय पदक पेरिस ओलंपिक्स रु षष्ठ दिन में भारत को आसी मनु भाकर पर सरबजोत पर वर्तमान आउ जड़े सुटर स्वप्निल जेकि भारत को तृतीय पदक देती फाइनाल रे आम जदि देखा षष्ठ स्थान रही थे पंचम स्थान रही थे धीरे धीरे तृतीय स्थान में पहुंची थे पूर्वतन चैंपियन कथा कहतु वर्ल्ड नंबर वन कथा कहतु से मिस करगले कि स्वप्निल जहाँ हुए तो एतटा नजर जा ना मनु भाकर को जो भाई भाव में गुरुत्व दि जाऊला किंतु से कमाल करके देखाई विश्वकप्रे पदक आनी कि वर्तमान पेरिस ओलंपिक्स रु आउ एक खुशी खबर भारत पर भारत को तृतीय पदक सुटिंग रु मिली स्वप्निल भारत को तृतीय पदक देखते षष्ठ दिन खेल में भारत को आज तृतीय पदक मिली 50 मीटर थ्री पोजिशन फाइनाल रे भारत को स्वप्निल आउ एक पदक देखते तो पदक संख्या भारत तीन पहुंची सुटिंग रु तृतीय पदक पेरिस ओलंपिक्स तृतीय पदक सुटिंग रु ही भारत को मिली तो वर्तमान बड़ खबर जहाँ पेरिस आसी पहुंचुच तृतीय पदक भारत को मिल सारी षष्ठ दिन आज आहरी अनेक गुड़े इवेंट रही कि पदक जो मैंने आशावादी रही मैच रही बैडमिंटन कथा कहतु सुटिंग कथा बक्सींग कथ रही कि वर्तमान जहाँ बड़ खबर पेरिस ओलंपिक्स आसूँ तृतीय पदक सुटिंग रु मिली स्वप्निल भारतर स्वप्न को आउ टे आग को नहीं डबल डिजिट कथा भारत भारतीय मैंने आशा रखी से ही स्वप्न को स्वप्निल आउ टे आग को नहीं तृतीय पदक मिली आसी षष्ठ दिन में पेरिस ओलंपिक्स कथा जी आम कह तेज आ पूर्व मनु भाकर और सरबजोत दुईट पदक दे सारी ब्रोंज पदक ही मिलता तृतीय पदक ब्रोंज ही रही कि ओलंपिक्स पदक जितना बहुत बड़ कथा और ब्रोंज पदक पुणि थे आसी सुटिंग रु यह हो भारत पर तृतीय पदक षष्ठ दिन में आज भारत को तृतीय पदक मिले दीपक दुबे भारतीय सुटिंग कोच फोन लाइन में जुड़े हुए दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक खुशखबरी और एक पदक और एक ब्रॉन्ज स्वप्निल से आपको उम्मीदें थी दीपक जी आप सुन पा रहे हैं खूब शीघ्र दीपक दुबे भारतीय सुटिंग कोच आम सहित जोड़े किंतु जमीक आम आलोचना करते षष्ठ दिन में भारत को तृतीय पदक मिल सारी स्वप्निल को तृतीय पदक मिली स्वप्निल कुशाले ब्रोंज पदक जीति 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन इभेन्ट्रे आपण मैंने प्यारिश रु आउ एक पदक इतिहास देखुले कि भाव में षष्ठ दिन में मेन्स 15 मीटर राइफल थ्री पोजिशन फाइनाल रे पदक आसी दीपक दुबे आम सहित पुणि थे जोड़ दीपक जी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपको उम्मीदें थी स्वप्निल से क्योंकि अगर और शूटर के बारे में बोले तो वो ज़्यादा फोकस में थे कुछ आप कैसे देखते हैं उम्मीदें थी आपको जो आज फाइनल में और एक पदक भारत ला सकता था जी उम्मीद तो हमें दोनों खिलाड़ियों से थी ऐश्वर्या प्रताप से और स्वप्निल कुशाले से भी जी और अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में ऐश्वर्या प्रताप जो है वो अपना फाइनल में जगह नहीं बना पाए बट स्वप्निल जो है वो टॉप एट में आने में सफल रहे और आज जिस तरीके से उन्होंने खेल दिखाया जिस तरीके से उन्होंने संयम दिखाया और जिस तरीके से अपने नर्व कंट्रोल और ब्रीथ कंट्रोल के साथ उन्होंने जिस तरीके से अपने शॉट सिलेक्शन किया तो वही चीज जाके मेडल में कन्वर्ट हुई तो मैं बहुत देशवासियों के लिए खेल प्रेमियों के लिए ये बहुत ऊर्जा का संचार हो रहा है बहुत बहुत बधाई साफ करी।
एशियन गेम है ना। जी दीपक जी, और अगर पूरा फाइनल मैच के बारे में बोले तो पहले तो सिक्स पोजीशन में थे, सेवेंथ पोजीशन में थे, धीरे धीरे आगे चले, तो ये एक अलग ट्रेंड दिखा, क्योंकि पहले जो ब्रॉन्ज भारतीय शूटर ने जीते थे तो पहले से ही लीड में हो रहे थे, लेकिन ये नीचे से ऊपर आए। जी आप देखेंगे कि वहाँ पे हर खिलाड़ियों इतना पसीना आ रहा था, इतना स्वेटिंग हो रही, तो इसी बात है कि वहाँ पे उमस बहुत थी, और एक लाभ आज गेनिंग करते तो वहाँ टेम्परेचर जो है वो वैसे ही 40-44 के आसपास रहता है, तो शायद उस क्लाइमेट का आज सपोर्ट मिला, क्या नाम है, जो उनकी ट्रेनिंग थी यहाँ पे और वहाँ जाने बाद जो आपने फाइनल देखते हैं तो अपने चेहरे पे इस उमस का कोई शिकन नहीं थी, वो सिर्फ अपने आप में एकाग्र थे और वो अपनी शूटिंग में ही इतने शूटिंग उन्होंने आज दर्शाया, आज जो उन्होंने कहते हैं ना कि अपने लक्ष्य को जो जिस तरीके से उन्होंने साधा, तो ये बहुत काबिले तारीफ था, और जो पावदान थे इसलिए वो 6-5, 5-4 उन्होंने 3 नहीं बहुत 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 बेहतरीन शूटिंग प्रदर्शन किया। थ्री पोजीशन के बारे में अगर बोले तो कितना डिफिकल्ट होता है, पिस्तल और राइफल का भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ये थ्री पोजीशन में शूटिंग करना होता है और पॉइंट्स लाना होता है, कितना डिफिकल्ट होता है ये इवेंट? काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये एक तो ओपन इवेंट है, आपका ओपन रेंज में होता है, क्योंकि यहाँ पे तो फाइनल जो है अभी सब जगह पे तो फाइनल इंडोर रेंज, बट जो एप्लीकेशन शूटिंग होती है वो ओपन रेंज में होती है, सिर्फ एफओपी एरिया ही कवर रहता है, और उसमें हमें ये चीज आज देखने की मिली कि वहाँ पे आपको विंड का भी रीड करना पड़ता है, लाइट कैसे चल रही है, सनलाइट का ही क्या नाम है वहाँ पे टोटल जो है वो लाइट रहती है, तो ऐसे काफी चैलेंजेस रहते हैं, ऊपर से स्वयं का जो आपका आपके साथ में जो भी आपका मानसिक है और जो आपका टेक्निकल है और जो आपका लेवल जो है जो स्टैंडर्ड है वो थ्री पोजिशन में बहुत मैटर करता है, क्योंकि पहले आप सिटिंग में खेलते हैं, फिर आप जोन में जाते हैं, फिर आप स्टैंडिंग पोजिशन में आते हैं, तो एक प्रकार से थ्री पोजिशन जो है वो राइफल का इवेंट है, और उस इवेंट में आइए पहली बार इतिहास पर कोई खिलाड़ी इस पर जाके पदक जीता है। जी और आगे के बारे में अगर बोले तो आसिफ कौर है और अंजुम भी आज शूटिंग रेंज में उतरेंगी, तो उनसे भी पदक की आशा हम लोग कर सकते हैं, उनका भी 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन से? जी 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 बिल्कुल, इस मेडल से शॉपिंग के दर्शन से अंजुम मुदगिल और सिद्ध शामरा के लिए बहुत ही संजीवनी का काम करेगा और उनका फोकस बढ़ जाएगा, तो उम्मीद है कि हम एक मेडल और अगला मेडल जो है वो कल जो है वो हमारे लिए आई ताजे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक दुबे जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे, भारतीय टीम के शूटिंग कोच और पहले खुद भी प्लेयर रह चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। मोसैतोमो सहयोगी सुशांत रही सुशांत आपन कहते जे कि भाव में स्वप्निल पूर्वर इवेंट्रे गोल्ड पदक जीति सारी आज ओलंपिक्स ब्रोंज पदक निहाति महाराष्ट्र कोल्हापुर आसंती कह गले स्वप्निल आपड़ी क्यारिअर देखिए सब इवेंट्रे पदक था केवल ओलंपिक रे नथिला, मु किसम पूर्व आपण जो कथा कहती एशियन गेम रे जोटा कि 2022 से गोल्ड पदक पाई सहित सुटिंग चंपिशिप कथा कह कमनवेल्थ गेम कथा कह कि सुटिंग वर्ल्ड कप सबुरे जदि आप देखिए मेडाल रही केवल खाली ओलंपिक रोटे मेडाल जो टाली कह निकट में मिसिंग कितु आज जो भाव प्रदर्शन एमती कि आप देखिथे जो जी कि विश्वर नंबर वन सुटर विशेषक इवेंट्रे सीए एलिमिनेट हो जाते जो भाव स्वप्निल अनेक तो मनुख आशा था सी भल प्रदर्शन करुले स्वप्निल केवे आशा कर पदक कितु जो भाव सी फाइनाल राउंड को प्रवेश करते जितेबाला फाइनाल राउंड को प्रवेश करते बोधुए सी 7 नंबर रैंक रही थे कितु जो भाव प्रदर्शन करते टॉप 3 रे फिनिश करोटना कौटि से जो कह जो दिन जार दिवस से जो भाव प्रदर्शन करे यहीटा आम देखा पाइले तबे जो पदक संख्या वर्तमान 3 पहुंची पूर्व आम आलोचना करुचे सुटिंग टीम रो एफर्ट कथा कि सुटिंग टीम ठू एकाधिक पदक आवश्यक अटक समय अभाव रही
किंतु आमे जहाँ पेरिस खुशी खबर शुणुले तृतीय पदक आसी सारी सुटिंग रु तृतीय पदक स्वप्निल ए खुशी भारतीय को देखते अर्गस बी ब्रेकिंग वर्तमान पर समय सारी मतलब विदाय दिंतु नमस्कार। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।